गुड इवनिंग टू ऑल। आज मैं जो आपसे टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो है हाउ टू बिकम ए सिविल स्ट्रक्चर इंजीनियर, और कौन कौन से सॉफ्टवेयर से मतलब ज़रूरत होता है अगर कोई स्ट्रक्चर इंजीनियर बनना चाहता है। तो सबसे पहले देखिए, जब भी हम कुछ कुछ ये कंपनी पे डिपेंड होती है, बहुत सारी कंपनी क्या होती है वो सिर्फ बीटेक के बाद ही मतलब स्ट्रक्चर इंजीनियर के लिए निकाल देती है। कैंडिडेट मस्ट हैव मोर देन 10 एंड 15 ईयर्स एक्सपीरियंस, और बहुत सारी कंपनी की क्राइटेरिया होती है कि मस्ट हैव एमटेक। सो मैं यहाँ पे ये बताने वाला हूँ कि क्या मतलब इज नेसेसरी टू बिकम ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर, कैंडिडेट मस्ट हैव एमटेक। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी, बट अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन कैंडिडेट शुड डू एमटेक। ओके, बिकॉज कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, जैसे अगर आपने बीटेक किया है, और बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो बीटेक में नहीं पढ़ाए जाते हैं, वो एमटेक में किया पढ़ाया जाता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है एमटेक, तो हम लोगों ने बीटेक में बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ा था, लेकिन कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट था जैसे फाइनाइट लिमिट मेथड हो गई, डायनेमिक एनालिसिस हो गई, प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट हो गई, तो उसकी एक स्पेसिफिकेशन से एक अलग सब्जेक्ट ही होती है जो एमटेक में होती है। तो अगर स्ट्रक्चर इंजीनियर जॉब है, अगर आप स्टैट प्रो में विद हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर अगर आप डिजाइन कर रहे हो किसी भी कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट को, कोई भी स्ट्रक्चर हो गई, वो रेसिडेंशियल हो गई, अपार्टमेंट हो गई, कोई किसी तरह की भी हो गई, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि फाइनाइट लिमिट मेथड का यूज होता है। तो आप अगर एमटेक करोगे तो एमटेक के बाद ये आप में मतलब आप में क्या एडवांटेज ये हो जाएगी कि उस सब्जेक्ट को आप बहुत अच्छी तरह पढ़ चुके हो एमटेक में, वो चीज़ बीटेक में नहीं पढ़ाई जाती है। तो मतलब ज़्यादा एडवांटेज ये होता है कि कैंडिडेट जो एमटेक किए रहते हैं स्ट्रक्चर्स में, उनको ज़्यादा एडवांटेज मिलती है। और कौन कौन से सॉफ्टवेयर से स्ट्रक्चर इंजीनियर के लिए ज़रूरत होते हैं, मतलब नीड है, पहला सॉफ्टवेयर हो ऑटो कैड। तो ऑटो कैड में आपको बहुत ही अप टू मतलब बियॉन्ड लेवल कहा जाता है ना, कि मतलब एक ऑटो कैड एक नॉर्मल है और एक जो होती है बहुत अच्छे लेवल पर, मतलब बहुत अच्छी तरह आपको ऑटो कैड आनी चाहिए। देन आपके पास ई टैब सॉफ्टवेयर होनी चाहिए, ई टैब की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आप अगर इंडिया से बाहर मूव करोगे, जैसे दुबई हो गई, यूएई में जो डिज़ाइनिंग के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं वो ई टैब यूज़ होता है। अब उसके बाद अगर आप इंडिया में हो तो इंडिया में आपको स्टैट प्रो का बहुत अच्छी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर हम लोग स्टैट प्रो यूज़ करते हैं, तो स्टैट प्रो की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप ब्रिज का डिज़ाइन कर रहे हो तो फिर सीएसआई ब्रिज सॉफ्टवेयर होती है, उसको बहुत अच्छी तरह आपके पास उसकी नॉलेज होनी चाहिए। और उसके साथ साथ फिर आपके पास एक BIM की भी नॉलेज हो, दैट इज़ कॉल्ड बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। उसमें रिविट आर्किटेक्चर आता है, उसमें आप क्या करते हो कि मॉडलिंग बनाते हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा समझते होंगे कि मतलब रेविट आर्किटेक्चर से ऑटो कैड तो सेम ही होता नहीं। देखिए, ऑटो कैड में हम लोग प्लान बनाते हैं, ठीक है, रेविट में भी प्लान बनाते हैं, मॉडल बनाते हैं, बट रेविट में क्या होता है कि आपकी पूरी बिल्डिंग की इंफॉर्मेशन आपको गैदर हो जाती है, आप पूरी इंफॉर्मेशन आप इसमें समझ लेते हैं, आपको मिल जाता है, जो ऑटो कैड में नहीं मिल पाता है। तो अगर आप स्ट्रक्चर इंजीनियर हैं और आपके पास रेविट आर्किटेक्चर्स की भी अच्छी नॉलेज है, तो आपके पास एक एडवांटेज हो जाती है, ठीक है। और उसके साथ साथ स्ट्रक्चर इंजीनियर के लिए सबसे कंपलसरी होता है कि सबसे पहले आप हर जितने भी कोड है उसको बहुत अच्छी तरह पढ़ो, जिस तरह जैसे IS 456-2000 है, वो रेनफोर्स कॉन्क्रीट के लिए है, उसमें बहुत सारे स्पेसिफिकेशन दिए होते हैं कि कौन सी क्राइटेरिया कहाँ पर यूज़ करनी है। उसके साथ साथ अगर आप डेड लोड, तो डेड लोड के लिए क्या है, IS 8315 Part 1 कोड है, उसे बहुत अच्छी तरह आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। फिर अगर आप इम्पोज लोड लाइव लोड है, तो लाइव लोड के लिए आप IS 8715 Part 2 कोड पढ़ो अच्छी तरह से। फिर विंड लोड के लिए, क्योंकि विंड लोड बहुत ही इम्पोर्टेंट लोड होता है, अगर आप बिल्डिंग के डिज़ाइन कर रहे हो, आप टावर डिज़ाइन कर रहे हो, तो उसके लिए आपको विंड लोड, अर्थक्वेक लोड, ये तो अप्लाई करना ही करना होता है, ठीक है। तो विंड लोड के लिए आप IS 8715 Part 3 जो कोड है उसको बहुत अच्छी तरह उसकी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। फिर आप अर्थक्वेक लोड, तो उसके लिए IS 1893 जो कोड आती है Part 1, उसकी बहुत अच्छी तरह नॉलेज होनी चाहिए। उससे बहुत बहुत सारी कोड है, जैसे डक्टाइल डिटेलिंग के लिए IS 13920 है, तो उस तरह से बहुत कोड है। सबसे पहले आप जितने भी कोड हैं उसकी बहुत अच्छी तरह से स्टडी करो, क्योंकि आप उससे स्टडी करोगे ना,
उससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। आपके माइंड में ऐसा होता होगा कि स्ट्रक्चरल इंजीनियर, बहुत सारे रिइंफोर्समेंट आपने देखा होगा कि अब बीम है तो बीम में कभी मतलब एक क्रैंक बार आपने यूज कर दिया है, तो एक नॉर्मल जो स्टूडेंट से बीटेक कर रहे हैं उनके माइंड में कभी कभी आता है, मे बी ही इज इन थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर, तो उनके माइंड में आता है कि अचानक से मतलब एक नॉर्मल बीम है और कुछ जगह पे हमने बीम प्रोवाइड किया उसमें क्रैंक बीम यूज किया कर दिया गया, तो ये क्या क्राइटेरिया है। ये सब आप डक्टाइल डिटेलिंग में ही आप समझेंगे, कोड के थ्रू ही समझेंगे कि किस क्राइटेरिया में कौन सी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है, किस तरह की रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। और उसके साथ साथ अगर आप कैलसी यूज करो, कैलसी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिजाइन इंजीनियर ओके, तो उसके लिए आई मतलब एक कैलसी जो आती है ना वो FX9N1CW, बहुत अच्छी कैलसी है, मैं भी यूज करता हूँ उस कैलसी को। इट इज वेरी गुड कैलसी फॉर ए इंजीनियर, फॉर ए स्ट्रक्चरल डिजाइन इंजीनियर एंड अदर पर्सन ऑल्सो। सो उस तरह की कैलसी आप यूज करो, उससे क्या होगा कि आपकी हैबिट हो जाएगी कैलकुलेशन निकालने की, क्योंकि बहुत तरह की कैलकुलेशन होती है। जब आप एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर बनोगे ना तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले तो आप किसी भी स्ट्रक्चर्स को विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हो, फिर उसी स्ट्रक्चर्स को मैनुअली भी डिजाइन की जाती है। ठीक है, जैसे आप स्लैब हुआ, बीम हुआ, तो बीम की डिजाइन हम लोग विद द हेल्प ऑफ